अब हम अभ्यास का परिणाम एक प्राचीन ढंग का एक गुरुकुल के गुरुजी और विद्यार्थियों द्वारा एक नाटक देखने वाले हैं। आइए देखेंगे। बच्चों प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जो पाठ मैंने तुम्हें कल याद करने को कहा था वो तुमने याद कर लिया? हाँ गुरुजी, हम सब पढ़कर याद कर लिए हैं। अच्छा, आज आपको मुझे सुनाना होगा। ठीक है गुरुजी। और वो भोपते वहाँ अकेले क्या कर रहा है? गुरुजी गुरुजी रोज पढ़ाई के बाद ऐसे ही पेड़ पौधों के आसपास खेलता रहता है, नहीं तो गोशाल में जाकर बच्चों के साथ खेलता रहता है। गुरुजी हम जाके उसे बुलाएं। गुरुजी हाँ जाओ और उसे बुलाओ। भोपदेव, अरे भोपदेव। अरे ऐसे पुकारेगा तो उसे सुनेगा नहीं। मैं पुकारूंगा, देखो गुरुदेव। अरे गुरुदेव, क्या तुझे सुन रहा है? नहीं, तुझे गुरुजी पुकार रहे हैं। मुझे गुरुजी पुकार रहे हैं। तुझे कुछ पता है कि गुरुजी मुझे क्यों पुकार रहे हैं? हमें क्या पता, गुरुजी तुम्हें पुकारने के लिए कहे और हम पुकार रहे हैं। जल्दी आओ, चलो चलते हैं। प्रणाम गुरुजी। हाँ प्रणाम। सभी यहाँ खेल रहे हैं और तू तो अकेले वहाँ क्या कर रहा है? गुरुजी गुरुजी, मैं तो वहाँ गौशाल में जाकर बच्चों के साथ खेल रहा था गुरुजी, और अब पेड़ पौधों के आसपास खेल रहा था गुरुजी। अरे तुझे कितनी बार समझाया करूँ कि अपना पाठ याद कर ले और अपने दोस्तों के साथ खेला करो, बच्चों के साथ नहीं। अच्छा, जो पाठ मैंने तुम्हें कल याद करने को कहा था वो तुमने याद किया कि नहीं? गुरुजी गुरुजी, वे तो मुझे याद नहीं हुए। तो गुरुजी ये तो हमारे साथ अच्छा पढ़ाया था पर कहता है याद नहीं हुए। ये कैसे हो सकता है, अच्छा पढ़ना और भूल जाना, ये तो बच्चों के साथ खेल खेल कर मीराबेल बन गया है। गुरुजी ये साधक, हम सब जाकर श्लोक पढ़ सकते हैं? हाँ तुम सब जाओ। भोपदेव देखो सारे छात्रों ने कितने अच्छे तरह से पढ़ा है। मैंने भी पढ़ा था गुरुजी, फिर भी मुझे याद नहीं होता, मैं क्या करूँ गुरुजी? जब पढ़ना लिखना ही नहीं होता तो यहाँ रहकर क्या करोगे? जाओ अपने घर लौटो और खेती बाड़ी करो, फिर से अपना मुंह मत दिखाना, समझे? गुरुजी मैं तो सदा आपका आज्ञा का पालन करता रहा और आज भी करूँगा। हाँ जाओ। अब मैं क्या करूँ और अपने पिताजी को मेरे मुंह कैसे दिखाऊं? वो तो विद्वान है और मैं ठहरा मूर्खराज। घर जाने से पहले रास्ते में भोपदेव को प्यास लगा और वह कुएं पर आता है। दूसरा दृश्य। माजी माजी, मुझे तो प्यास लगी है, क्या आप मुझे थोड़ा सा पानी पिलाएंगे माजी? ये लो पेट भरकर पानी पी लो, बहुत प्यासे दिखाई दे रहे हैं। बस माजी। अच्छा यह तो बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो? माँ जी आप इन सब प्रश्नों का उत्तर क्या करेंगी? तो क्या मेरी माँ जी के प्रश्नों का उत्तर दिए बिना और एक प्रश्न पूछ रहा है? पहले मेरी माँ को जवाब दो फिर वह दे। हाँ हाँ जवाब देता हूँ। मेरा नाम भोपदेव है और मुझे गुरुकुल से निकाल दिया गया है और अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। तुमने क्या किया, गुरुजी ने क्यों तुम्हें गुरुकुल से निकाल दिए? मैंने तो कुछ भी नहीं किया, गुरुजी जो मुझे पढ़ कर याद करने के लिए बोलते थे, दुर्भाग्य से मैं कुछ भी पढ़ नहीं सका। अच्छा ये है बात। हाँ माँ जी। ठीक है जल्दी घर पहुँचना, विमला हम भी घर चलेंगे, देर हो रही है, गड़ा उठा लो। अरे ये क्या, इतना कठोर चट्टान पर गड्ढा पड़ गया है। माजी माजी मुझे ये तो बता दीजिए ना कि इस कठोर चट्टान पर यह गड्ढा कैसे हुआ? माजी ध्यान से सुनो बेटा, इस चट्टान पर बार बार गड्ढे रखने से यह खड्डा पड़ गया है। इतना कठोर पत्थर घरों से कैसे घिस गया माजी? यही तो समझने की बात है, जो काम बार बार किया जाता है उसका प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सकता। अच्छा तो ये बात है माँ जी, आपने मुझे सही मार्ग दिखा दिया। मैं समझ गया कि कठिन से कठिन विषय का भी यदि अभ्यास किया जाए तो वह समझ में आ जाता है। समझ गए बेटा, जो
तेरा पाठ भी इसी तरह बार बार अभ्यास करने से आसानी से याद हो जाएगा। हाँ माँ जी, अब मैं फिर से गुरुकुल जाऊंगा और खूब अभ्यास करूंगा। मुझे आशा है कि मुझे सफलता अवश्य मिलेगी। जाओ जाओ, जल्दी जाओ, पढ़ लिख कर विद्वान बनो, भगवान तेरा कल्याण करे। अब बोबदेव गुरुकुल वापस जाता है और गुरुजी से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगता है। तीसरा दृश्य। गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए और फिर से एक पढ़ने का मौका दीजिए ना। उठो बोबदेव, तुम्हें मैं कितने मौका दूं और समझाया करूं कि अपना पाठ पढ़ लो, लेकिन तुम्हें तो कुछ याद ही नहीं होता। हाँ गुरुजी, लेकिन आज ही मुझे पता चला कि बार बार नरम घर रखने से कठोर पत्थर भी घिस सकते हैं, तो मैं भी निरंतर अभ्यास करके अपना पाठ सीख सकूंगा ना गुरुजी। हाँ क्यों नहीं, चलो कक्षा में बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। अब मैं पूरा ध्यान लगाकर पढ़ूंगा और आपका शिष्य अवश्य बनूंगा। गुरुकुल वापस जाने के बाद अगले दिन गुरुजी बोबदेव से प्रश्न पूछते हैं। चौथा दृश्य। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। बैठो बोबदेव, तुमने अपने पाठ याद कर लिए? गुरुजी पिछले और नए सभी पाठ मैंने याद कर लिए हैं, कहीं नहीं तो मैं सुना दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ बेटा, मुझे आशा हो गई है कि तुम पढ़ लिख कर विद्वान बन जाओगे। आपके आशीर्वाद से एक दिन मैं विद्वान बनकर व्याकरणों की पुस्तकों को सरल बना डालूंगा गुरुजी। मैंने तुम्हें एक दिन बैल कहा था, बैल को संस्कृत में बलिवर्द कहते हैं, इसी नाम को बदल कर मैं तुम्हें अब वरद कहा करूँगा। जब तुम विद्वान बन जाओगे तो वरदाचार्य के नाम से प्रसिद्ध पाओगे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इसी बोबदेव ने वरदाचार्य नाम से लघु सिद्धांत कौमुदी नाम की व्याकरण की पुस्तक लिखी थी।